कुटाई होड़ आ गए हम अभी। कुटाई होड़ कुटाई होती रहती है ना मैं यहाँ का। तो आ चुके हम यहाँ सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और मेरा नाम है अनीता बग्गा। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत घने जंगल से। क्योंकि मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के करीब 10 बजे से और मैं जा रही हूँ आज मांझा, क्योंकि मैं पहुँच चुकी हूँ आधे रास्ते। अभी मैं जंगल में हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ आज। और आगे मेरी ननंद जा रही है। आराध्य के लिए लेके आएंगे वाकर, और किरण के लिए आएंगे लेके आएंगे स्कूल के कपड़े, क्योंकि अब बोर्ड वालों की परीक्षाएं शुरू हो चुकी है मतलब होने वाली है 28 तारीख से ना, 28 मार्च से शुरू होने वाली है। तो मतलब गोल्डानी तो बोल्ड सेंटर तो पड़ता नहीं, इसलिए बोल्ड देने माँ जब आते हैं तो वहाँ के लिए कपड़े चाहिए, तो इसलिए मैं आज कपड़े लेके आऊँगी किरण के लिए और उन्हें वहीं दूँगी सिलाने के लिए। तो क्योंकि वैसे तो मैं खुद सिलती हूँ, लेकिन स्कूल के कपड़े थोड़े अलग होते हैं, कॉलर्स कॉलर्स अलग होती है, तो इसलिए वैसे कपड़े मैं नहीं जानती हूँ सिल के, क्योंकि स्कूल के थोड़े चेंज होते हैं। इसलिए पहुँच चुके हैं हम यहाँ तक। हमने सोचा कि थोड़े यहाँ पे फ़ोटो फाटो ले लें, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा जब वापस आएंगे। तो यहीं ऊपर खाल है और दैंत खाल है और वहाँ पे पत्थर पत्थर डालते हैं। वैसे तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे दैंत खाल है और वहाँ पे पत्थर डालते हैं, तो फिर से बता रही हूँ एक बार। तो चलते हैं हम। ये देखिए पहुँच चुके हैं सड़क पे और यहाँ से खान है, और यहाँ पे एक पत्थर डालेंगे हम। और ये मंदिर है, यहाँ पे नागराजा का मंदिर है, और यहाँ से हम नीचे जाएंगे। तो ये रास्ता है पीढ़ी जाने का मंदिर। अगर मैं जाऊंगी कभी तो आपको भी ले चलूंगी। एक कुछ घास की पत्तियां कुछ इस तरह, और ये पेड़ है और उस पे फूल एकदम वाइट है। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम यहाँ, और यहाँ का नाम मागरू है, और ये कुछ लड़कियां पानी के लिए आ रखी है यहाँ पे। और देखिए ये पानी, तो देखिए ये धारा किस टाइप का है। अब मैं पानी पीती हूँ और उसके बाद निकालती हूँ। और उस धारे पे देखा होगा आपने चीड़ के पेड़ का वो लगाया था, उसे हमारे घर वाले में फोकला कहते हैं। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं हम मांझा, क्योंकि एक डेढ़ घंटे का रास्ता है गोल्डानी से और मांझा पाने में,
कि पहुंच चुके हैं हम बाजार में। अभी थौलदार जाना है हमने बाजार, क्योंकि यहाँ से लगभग 2 मिनट का रास्ता है यहाँ नीचे ये। तो दोस्तों वहाँ पे जाना है हमने, और वहीं पे बैंक भी है और सब कुछ, मतलब बाजार है वहीं पे, वहीं से हम कपड़े लेंगे और करते हैं। हम मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों पहुंच चुके हम कपड़ों की दुकान पर, अब लेंगे हम कपड़े। तो अब देखते हैं किसको लेंगे। तो हम लेंगे इस वाले को। दोस्तों हम आ रखे हैं अब दूसरी दुकान पे, क्योंकि पड़ोसी। तो दोस्तों आ चुके हैं हम थौलदार से, मांझा से ऊपर, और यहाँ से इस तार के पीछे जाना है हमने, क्योंकि बहुत थकान हो चुकी है आज। वैसे धूप ज़्यादा नहीं लग रही है, क्योंकि आसमान पे बादल छाए हैं, इसलिए आज तो धूप कम ही लग रही है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रही चलने में, क्योंकि अगर धूप होती तो बहुत मुश्किल हो जाती। कुछ हाय दोस्तों, हम मिले हमको हमारे। तो ये बहुत, ये बहुत बड़ा खुलोग है, बहुत बड़ा खुलोग है ये, क्योंकि सुबह 10 बजे छुट्टी हो गई थी, अभी हम चल शाम के 4 बज गए हैं, लेकिन घर जाने का कोई मतलब नहीं, इतने पड़ा खोए, दिमाग खराब हो गए वाले इनका पढ़ पढ़ के, अब इंजॉय के लगे देखे। बीच वाली को तो बहुत सर्दी लग रही है, क्योंकि हमारे गोल्डानी में इंटर कॉलेज नहीं है, तो इसलिए 11वीं और 12वीं वाले मांझा पाते हैं पढ़ने, जो कि थौलदार स्कूल है उनका, वहाँ पढ़ते हैं ये 11वीं और 12वीं वाले। दोस्तों ये आराध्या का वाकर ये लेके आए हैं हम, क्योंकि माँ जब नहीं था इसलिए लमगाँव से मंगाया मैंने अपने मामा जी से, मतलब मामा जी लगते हैं मेरे, तो उनसे मंगाया मैंने। मैंने सोचा कि वहाँ जाऊँगी तो बहुत लेट हो जाएगी, तब तक मैं थौलदार पे काम करती हूँ अपना जो जो करना है, और मैंने वहाँ पर अपना पिन कार्ड दिया बनाने के लिए, और किरण के लिए कपड़े लाए, और किरण के कपड़े दिए सिलाने के लिए। तो लगी तो दोस्तों तो हम यहाँ पे बैठे हैं, और ये लोग बहुत काम चोर है, जाने के लिए आराम से आ रहे, बिल्कुल स्लो मौसम में वो काम ही नहीं है, कुछ गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, बस हम आ रहे हैं। ये स्कूल की दगड़ियाँ है, तो ये दुल्हन है, शर्मा रही है बहुत ज्यादा, शर्माती नहीं है हम, शर्माते नहीं है वर। ये उड़ आगे आगे हमारे ब्लॉकिंग करने वाला जा रहा है, भाई पीछे पीछे हम आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से और तब क्या कहते हैं गढ़वाली में उंधियार ना। हाँ हाँ, हम उंधियारी पे है अभी, तो पत्थर भी है यहाँ पे बहुत ज्यादा, कुटाई होड़, कुटाई होड़ आ गए हम अभी, कुटाई होड़, कुटाई कुटाई होती रहती है ना मैं यहाँ। तो आ चुके हम यहाँ, अब बस कितने मिनट का रास्ता है गोल्डानी जाने के लिए, 5-10 मिनट का, तो पहुंचे के हम 5-10 मिनट में।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।